मैं देख सकती हूँ कि लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं और मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो मैं यही चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम कहीं भी जाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली मॉम, लेकिन आप तो मेरे बारे में अक्सर सोचती रहती हो। हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं। बाय मॉम। हाँ हाँ हाँ, इस सिटी में कितने सारे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं। इसका मतलब मैं फेमस हो गई हूँ। वाओ। ए लड़की, तुम जैसी लड़की इस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती, चल निकल यहाँ से। ये तो मुझे जानती भी नहीं है, इसने मेरे बारे में 3 बार सोचा है। तुम यहाँ से भाग रही हो कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवाऊं? डोंट वरी, मुझे अंदर जाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो यहाँ से बस गुजर रही थी। काव्या, लोग मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आई थिंक तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो इसलिए। हाँ, इम्पोर्टेंट पर्सन क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुमने मेरे बारे में 1000 बार सोचा है। हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो मैं सोचूंगी ना। या यू आर राइट। जिया, कहाँ थे तुम और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी में हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अभी अभी पता चला कि प्रिंस अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, तो हो सकता है उन्हें मुझसे प्यार हो जाए। हाँ लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे पैलेस में नहीं घुस सकते। ये यहाँ का गार्ड है, देखती हूँ ये मेरे बारे में कितनी बार सोचता है। हाँ, यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, तो क्या आप मुझे प्रिंस से मिलवा सकते हैं प्लीज? कौन है वहाँ? कौन मेरे बेटे के बारे में पूछ रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पर? ये तो किंग है। हाँ, किंग मेरे बारे में इतनी बार क्यों सोच रहे हैं? क्या बात हो सकती है? ए लड़की, इधर आओ। तो लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा घर कहाँ है, मैं खो गई हूँ। वो मैं प्रिंस से मिलना चाहती थी, अगर वो मेरी हेल्प कर देते तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? हाँ? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम पैलेस में चलो, मैं प्रिंस को बोल दूंगा कि उससे कोई मिलने आया है। ओके। वाओ, ये पैलेस तो कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी, ऐसा लग रहा है छोटा सा सिटी है ये। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं पैलेस देख रही थी। पता नहीं मैडम, ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, ये सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे कहीं देखा है? मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके मैम, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे जरूर बुला लेना। ओके। बेटा, कभी पैलेस में एक लड़की आई है और वो लड़की देखने में बिल्कुल मेरे दोस्त प्रताप की बेटी सरोजनी जैसी दिख रही है। मुझे लगता है ये वही लड़की है जो कई साल पहले चुरा ली गई थी। पता नहीं पापा, मैंने तो उसे कभी देखा नहीं, क्योंकि जब वो चुरा ली गई थी तब मैं बहुत छोटा था। मैंने तो हमेशा उसकी पेंटिंग से देखी है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो आप सच्ची कह रहे होंगे। तुम जाकर उससे बात करो बेटा, मैं देखता हूँ कि ये वो लड़की है या नहीं। जी पापा। प्रिंस कहाँ है? प्रिंस तो दिखे ही नहीं। हेलो। हाँ, ओह माय गॉड, प्रिंस। तो तुम ही वो लड़की हो जो यहाँ अभी अभी नहीं आई हो? हाँ, वो लड़की मैं ही हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो क्या है ना, मैं रास्ता भूल गई थी, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरे डैड ने कहा है कि उन्होंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, उन्होंने मुझे भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे कहीं देखा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ओके। ओह माय गॉड, प्रिंस तो कितने हैंडसम है, अगर उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो मैं तो इस पैलेस की प्रिंसेस बन जाऊंगी। वाओ। हाँ, अरे मैं मेरा फोन तो कॉलेज में ही भूल आई, अब मैं मॉम को फोन करके कैसे बताऊंगी कि मैं यहाँ हूँ? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मॉम को तो मेरी चिंता है नहीं, घर का काम ही करवाना है उन्हें तो मुझसे। हेलो, तुम्हारी मॉम कहाँ है? मेरी मॉम, वो तो घर पर है ना। अच्छा, अपनी मॉम को फोन करके यहाँ बुलाओ। एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरा फोन कॉलेज में भूल आई हूँ, लेकिन आप मेरी मॉम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बस यूँ ही, हमें तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाना है ना, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता तो याद नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ हो, है ना? हाँ, मुझे मेरे घर का रास्ता पता नहीं है, मैं भूल गई थी ना। ओके, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर जाऊंगा, जितना रास्ता तुम्हें याद हो उतना मुझे बता देना। ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब लोग मेरे मॉम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। चलो। हाँ, अब इधर से कहाँ जाना है? आई थिंक राइट में जाना है।
चलो। ये तुम्हारा घर है? यही मेरा घर है। चलो अंदर। मॉम, मॉम आप कहाँ हो? लगता है मॉम बाहर गई है। दिख रहा है मुझे तुम्हारी मॉम घर पर है ही नहीं। तुम एक काम करो, वापस पैलेस में चलो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूंगा। ओके। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके। चलो अंदर। छोड़ो मुझे। हाँ मॉम, आप लोगों ने मेरी मॉम को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो उन्हें। ये तुम्हारी मॉम नहीं है, इसने तुम्हें चुरा लिया था कई साल पहले, तुम इसकी बेटी नहीं हो। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। माना मेरी मॉम मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मुझसे इतनी नफरत भी नहीं करती। छोड़ो मेरी मॉम को। मॉम, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, खुद अपनी माँ से पूछ लो। तुम इनकी बेटी नहीं हो। अगर तुम इनकी बेटी होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। तुम इनसे खुद पूछो, वो तुम्हें खुद सच बताएगी। बताओ इन्हें। मॉम, प्रिंस जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ ये सच है जिया, मैंने तुम्हें चुरा लिया था जब तुम छोटी थी, और मैं इस महल में एक नौकरानी का काम करती थी, और इस महल की शान शौकत देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी तो तुम्हारे बदले मैं इन लोगों से बहुत सारे पैसे मांग लूंगी। लेकिन जब मैंने तुम्हें किडनैप किया, उसके बाद मुझे ये डर हो गया कि अगर पैलेस में किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें चुराया है तो वो लोग मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखने का फैसला किया कि तुम मेरे पास रहोगी और तुम घर का काम करोगी और मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें एक नौकरानी बनाकर अपने पास रखना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई जिया बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपने मुझे चुराया था, वो भी पैसों के लिए। अब मुझे समझ में आया कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती थी। मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है मॉम, जो आपने करना था वो आपने कर दिया। मैं अब आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, आप जाइए यहाँ से। ऐसी झूठी औरत की सिर्फ एक ही जगह है, जेल में, और अब मैं इसे जेल में बंद कर दूंगा। नहीं प्रिंस, मेरी मॉम को जेल में मत डालिए, उन्हें वापस घर जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो यही सही है, जाओ यहाँ से। प्रिंस, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे ये सब कुछ मेरे पापा ने बताया, उन्हें सब कुछ पता था। तुम्हारे पिताजी प्रताप और तुम्हारी माँ कई साल पहले गुजर गए हैं, और जब वो मरे उन्होंने तुम्हें मुझे दिया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी मेरे बेटे प्रिंस से करूँगा और तुम इस पैलेस की प्रिंसेस बन जाओगी। हाँ, मतलब मेरे रियल मॉम डैड वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं बेटा, अब इस दुनिया में तुम्हारा जो कुछ भी है वो हम ही है। और प्रिंसेस सरोजिनी, आपका नाम जिया नहीं, प्रिंसेस सरोजिनी है, और मेरी शादी आपके साथ बचपन में फिक्स हो गई थी, तो क्या आप मुझसे शादी करके इस पैलेस की प्रिंसेस बनेंगी? हाँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।